आप लोगों को किरण एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम लोगों के पास बहुत बर्निंग इशू और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि बहुत महत्वपूर्ण जेएसएससी सीजल 2023 की एग्जाम है, 16 और 17 दिसंबर को ही होगा। इस विषय पर हम आज आपको सटीक और बिल्कुल ऑफिशियल जो जानकारी है, जो अखबारों से निकल कर आ रही जानकारी, उस जानकारी के अनुसार हम आपके बीच में रखेंगे। तो आइए हम लोग उस चीजों को एक एक करके बहुत कम समय में आप लोगों के बीच हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे, और आखिर क्या होगा अंतिम 25 दिनों का स्ट्रेटजी, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने आज के इस महत्वपूर्ण सेशन और महत्वपूर्ण एनालिसिस पर कि आखिर अंतिम समय पर आप लोग को क्या करना चाहिए, 25 दिनों की स्ट्रेटजी क्या होगी, और 16-17 को दिसंबर को एग्जाम होगी, इसकी क्या संभावना और कैसे बनती है। चलिए तो ठीक है, हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं। अगला देखिए, हम आपको सबसे पहले यहाँ पर एक सनसनीखेज जो है सो आपको एक न्यूज़पेपर का कटिंग पढ़ के सुनाना चाहते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो चुका है और इधर उधर से सब दुविधा खत्म हो चुका है। जितने भी यूट्यूब में आप इधर उधर से बातों को देख रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, कब होगा, अगला जनवरी चला जाएगा, अगला साल होगा कि नहीं ठिकाना, इन तमाम चीजों से आप बचिए और फेक जो न्यूज है इन चीजों से बचिए। चुपचाप से अपनी कंसेंट्रेशन, अपने ध्यान को एकदम पढ़ाई पर कमरे में बंद होकर के पूरी तरह से लग जाइए कंसंट्रेशन पर। अंतिम चीजों को अगर कहता है अंत भला तो सब भला, अगर आप भेदना चाहते हैं, छेदना चाहते हैं एग्जाम की खोपड़ी में, तो निश्चित रूप से आज हमारे बात को आप समझिए और ध्यान से समझिए। इसको देखिए, इस चीज को देखिए और समझिए यहाँ कि हम क्या कहना चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि सर यहाँ पर आपको देखिए, ये कर्मचारी जो आयोग है इसकी जो है इसके अनुसार से क्या है, कर्मचारी आयोग चयन आयोग की परीक्षा की तैयारी तेज, ये देवघर से निकल के एक बार आई है। झारखंड कर्मचारी जो चयन आयोग द्वारा जेएसएससी सीजीएल 2000 परीक्षा 2023 का आयोजन 16-17 दिसंबर को होना है, बिल्कुल होना है, इधर उधर कहीं कुछ नहीं भटकना है, 16-17 दिसंबर को ही होगा। जो यूट्यूबर और जो यूट्यूब में आप देख रहे हैं कि नहीं होगा, उसको बोरिया बिस्तर बंधवा दीजिए, मतलब चुपचाप से उसको छोड़िए और बांध करके बोरिया बिस्तर पढ़िए रूम में। इधर उधर के ध्यान और खबरों को देखेंगे तो पता चला जो पढ़ रहा है और वो एग्जाम में सिलेक्शन लेके चला जाएगा। आप चैनल को इधर उधर करते रह जाइएगा, आप बाहर हो जाइएगा, बिल्कुल होना तय है। और क्या लिखा, आयोग के निर्देश अनुसार, ध्यान से सुनिए, देवघर में 18,000 से ज्यादा परीक्षार्थी क्या है शामिल होंगे। परीक्षार्थी के भीड़ के अनुसार देवघर में 47 परीक्षा केंद्र को संभावित सूची तैयार कर ली गई है, भेज दी गई है, और इसके आधार पर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो डीएससी ऑफिस होते हैं वहां से लेटर निकल के आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्या किन्हीं परीक्षा केंद्रों पर केंद्र में संचालन को निर्देश दिया गया संचालकों को क्या कि परीक्षार्थी के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में बेंच डेस्क व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। तो बिल्कुल तमाम कयास और तमाम उम्मीद जो आप इधर उधर से फेंकबाजों से देख रहे थे कि नहीं एग्जाम नहीं होगा, यहां से एक एक्सपर्ट यूट्यूब के एक्सपर्ट लोग बता रहे थे, तो मैं आपको कंफर्म और क्लियर कर दूं कि इधर उधर भटकना नहीं है, एग्जाम आपको 16-17 दिसंबर को ही होगा, 100% होगा, नहीं चलेगा एग्जाम। इसलिए आप एग्जाम के लिए एकदम बंद हो जाइए, चुपचाप बंद हो जाइए, नहीं तो आपका सिलेक्शन होने नहीं जा रहा। और एक एक नंबर से इस बार खेल होगा, एक क्वेश्चन जिसका गलत हुआ वो सीधे बाहर। इतने स्टूडेंट और इतने छात्रों की कंपटीशन के बीच अगर अपना जगह बनाना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए अपने आप को पैक कर लीजिए। देखिए अब है कि आगे हमारी रणनीति क्या होगी, आखिर 25 दिन है तो 25 दिन में आपको क्या करना चाहिए, इस विषय पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, थोड़ी सी हम आपको बात बताते हैं कि सबसे पहले आप जान रहे हैं कि आप अपना जान रहे हैं कि सर हम लोग जान रहे हैं कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की परीक्षा हो रही है, ये तो क्वालिफाइंग है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, देखिए नगर पालिका के एग्जाम या अन्य एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि जो पेपर 1 है उसकी क्वेश्चन कुछ मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट था। ये गलत फहमी में कभी नहीं रहिएगा कि यहां भी इजी टू मॉडरेट रहेगा, बहुत भारी संख्या है, कहीं यही नहीं बाहर हो जाए, इसलिए इसको भी पढ़ के जाना है। बहुत बच्चे यहां से बाहर होंगे, यहां से एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन राउंड के लिए लाया गया है, ध्यान रखिएगा, ये दूसरे चीजों के लिए नहीं लाया गया, आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि यहां एलिमिनेशन हो जाएंगे, इसलिए इसको भी पढ़ के जाना है।
30 नंबर आपके लग रहा है कि 30% बहुत आसान है, हिंदी और इंग्लिश है, किसी बच्चा का हिंदी ठीक होगा किसी की इंग्लिश नहीं, किसी की इंग्लिश ठीक होगा हिंदी नहीं, इसलिए दोनों में आप ध्यान रखिए। आपको क्वालिफाइंग नंबर लाना है जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक लाना है, दोनों को 30% अंक लाना है, ध्यान दीजिए दोनों मिलाकर के। अब क्या कहता है इसमें, ये आप जान रहे हैं आपके लिए स्कोरिंग पेपर होगा, ये जान रहे हैं स्कोरिंग पेपर होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो लैंग्वेज पेपर आपका जो भी अपना लैंग्वेज हो, कोटा हो, हिंदी हो, जो भी हो, चाहे वो नागपुरी हो, उसमें आप तबड़तोड़ मेहनत करिए और एक भी प्रश्न सोचिए कि हम इसमें बाहर ना जाएं। लोग यहां पर 80 और 90 तक खेलेंगे, वो भी करेक्ट 100% में खेलेंगे, अगर इस बीच में आप रहेंगे तो इन हैं और नहीं हैं तो आउट हैं, पहले ही आप फील्डिंग से बाहर हो जाइए, मैदान से बाहर हो जाइए, क्रीज से बाहर हो जाइए। वर्ल्ड कप में 7 मैच लगातार जीतने के बाद भारत जब बाहर हो सकता है तो आप कोई ऐसा कोई धुरंधर बल्लेबाज नहीं है, कोई धुरंधर टीम नहीं है कि आप बाहर नहीं हो सकते हैं, इसलिए अपनी स्ट्रेटजी को यहां ले जाके फिक्स करिए, अगर नहीं करते हैं तो सीधे बाहर हो जाएंगे। आइए सबसे मेन पेपर जो रिजल्ट डिसाइडिंग और रैंक डिसाइडिंग होगा वो होगा आपका यहां, ये होगा यहां, यहां खेल कराएगा आपका, जिसमें आपके कितने 1 2 3 4 5 6 सेक्शन है और उस 6 सेक्शन में आप क्या करें अंतिम समय में, इसको जरूर देखिए। अगला जो है आप चीजों को समझिए और देखिए, बिल्कुल सिलेबस, अब अंतिम समय में आपको सिलेबस पर जाना है, बहुत पढ़ लिया दुनियादारी, अब भाई आई एग्जाम की बारी, सिलेबस की बारी, नहीं करोगे एग्जाम इस चीज को रख के ध्यान में तैयारी तो बजाओगे जाकर के ताली और बजाओगे जाकर के थारी। इसलिए मैं कह देता हूं अभी कि जो सिलेबस को नहीं पकड़ेगा, जो नहीं ध्यान देगा, वो जाकर के एग्जाम के बाहर थाली पीटेगा और कुछ नहीं करेगा कि क्वेश्चन घोटाला हो गया, लीक हो गया, प्रश्न पेपर लीक हो गया। और जो बच्चे इस चीजों को ध्यान रखेगा उन्हीं का सिलेक्शन होने जाना है। आइए देखिए सिलेबस पर क्या ध्यान देंगे, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है क्या कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य परिणाम दिन प्रतिदिन घटनाओं को, ठीक है वो छोड़ दीजिए, यहां लिखा है झारखंड भारत और पड़ोसी देश कहां पढ़ रहा है, तक अमेरिका का पढ़ रहा है, पड़ोसी देश का नहीं पढ़ा है राज्य राजधानी और करेंसी, तो पड़ोसी देश का सबसे पहले कान में बैठाइए, मुंह में बैठाइए, आंख में बैठाइए, जीप में बैठाइए, जहां बैठाना बैठाइए, लेकिन पड़ोसी देशों के साथ बैठाना है। यहां सब चीज लिखा हुआ स्पष्ट, सामसाइंग यानी करेंट, वैज्ञानिक प्रगति, साइंस वाला चीजों को थोड़ा देखना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, लेख, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटना है। ये जो लिखा है ना बउआ, इससे प्रश्न 100% रहेगा, इसलिए आप जोड़िए, देखिए यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को टॉपिक आपको यहां पहले दिख रहा है, इसमें सोचिए 9 टॉपिक में से आपके पास यहां से 30 क्वेश्चन रहेगा, तो 9 को कम से कम 9 दुनिया 18 नहीं तो कम से कम 15 क्वेश्चन यहां रहेगा, 15 क्वेश्चन यही सटा लीजिएगा तो आपका कहां चला जाएगा समझिए। इसके अलावा इतिहास है, संस्कृति है, भूगोल है, पर्यावरण है, आर्थिक परिस्थिति है, स्वतंत्रता आंदोलन है, भारतीय कृषि, कितना छोटा टॉपिक है लेकिन इसको नहीं पढ़ रहा है, पढ़ क्या रहा है तो पूरा एंशियंट मेडिवल मॉडर्न सब हिस्ट्री ले रहा है, यहां स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ने कह रहा है तो पूरा इतिहास रट करके बैठा है सब हुआ, सब जो कह रहा है उस चीज को नहीं पढ़ रहा है। यहां सवाल को जहां से आएगा वहीं पर 9 टॉपिक, 10 टॉपिक, 11 टॉपिक, प्राकृतिक संसाधन, जो चाहे मिनरल्स हो चाहे खनिज हो, जो चीज जहां सबसे ज्यादा फर्स्ट कौन है लास्ट कौन है, इन चीजों को देखिए और इससे आपको आएगा। फिर देखिए यहां कितना इसी लिखा, पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास, पंचायती राज, राजनीतिक, ये पॉलिटी का अनुच्छेद अनुच्छेद बच्चा सब याद कर लिया है, राज व्यवस्था, ये सब छोटी छोटी, यहीं तो 20 को टॉपिक हो गया जी, और 20 को टॉपिक में एक और क्वेश्चन अगर उठा लिया तो सोचिए यहीं से आपको 20 को उठा लिया तो 30 को तो यहां है ये है, यहां तो 30 को है ही, और 30 में से अगर 20 आप सही कर लेते हैं तो एक दो को एन होने से ना पारिएगा, और एक दो को पार लीजिएगा तो समझिए एकदम फिक्स है यहां पर। वहीं विज्ञान की बात करें तो स्पष्ट लिख दिया है कि आपको दिन प्रतिदिन में, इसका मतलब 10 तक का जो किताबों में लिखा है एनसीईआरटी में 6 7 8 9 10 वहीं पढ़ना है, इसके अलावा कुछ बाहर नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिए। गणित में अगर बात करें तो देखिए यहां अंक गणित, चलो बड़ा टॉपिक है, बीजगणित, ज्यामिति से ये जो क्षेत्रमिति है, ये 4 टॉपिक आपके पास जो लिखा हुआ दिख रहा है 1 2 3 4 5 को, ये 5 टॉपिक आप एकदम पूरी तरह से अच्छे से करके जाइए, 5 को से 2 से 3 क्वेश्चन अगर करके रहा तो 15 क्वेश्चन तो यही ना हो गया है, ऐसे करिए। पूरा दुनिया ढिंढोरा पिटले है लेकिन सिलेबस में नहीं देख रहा बउआ सब, तो देखो रीजनिंग में भी यहां लिख दिया बाबू, सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान संकल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, सवाल,
ये जो सब लिख दिया अंक गणितीय तर्क शक्ति अंक गणितीय संख्या एवं कूट कूट लेखन एवं कूट व्याख्या ये जो लिखा हुआ है टॉपिक उसी से प्रश्न आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं यही टॉपिक को दोहराओ, दूसरा चीज नहीं दोहराने की कोशिश करो बाबू। कंप्यूटर में आपको देखिए कितना छोटा छोटा चीज लिखा है, एक लिखा है विंडो एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक, दूसरा लिखा है एमएस ऑफिस का सब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और इंटरनेट, ये तीन को तो टॉपिक ही है, तीन को ही टॉपिक है। पूरा दुनिया ढिंढोरा पीट रहा है और सिलेबस के चीजों को नहीं फोकस कर रहा है। वहीं झारखंड से संबंध देखिए जो 40 क्वेश्चन रहेगा वहां स्पष्ट लिख दिया है, ठीक है ये मानते हैं भूगोल इतिहास ये बहुत बड़ा बड़ा है सभ्यता बड़ा है, लेकिन ये भाषा साहित्य ये स्थान खान खनिज छोटा छोटा है, उद्योग छोटा है, राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन में लिखा, झारखंड का योगदान छोटा है, विकास योजनाएं छोटा है, खेल खिलाड़ी भी करंट से जोड़ के पढ़ लीजिएगा, व्यक्तित्व छोटा है, नागरिक उपलब्धियां भी छोटा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय जो करंट के चीजें हैं ये सब चीजों को अंतिम समय में आप सिलेबस पूरा रिवाइज करिए, पूरा चीजों को करिए, सिलेबस का एक एक पॉइंट आपके जुबान पर होना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। सामान्य विज्ञान में अगर आप देखेंगे तो आपको 20 में से कम यहां 15 जाना पड़ेगा, यहां पर आप देखिएगा तो 20 में से यहां भी 15 जाना होगा, यहां भी 20 में से 15 जाना होगा, और यहां 30 में से 40 में से अगर आप देखिएगा तो 25 प्लस आपको करना पड़ेगा तभी जाकर के आप अपनी सिलेक्शन जगह बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए अंतिम 25 दिन में 25 तरीके से अपने अपने टारगेट को सेट करिए कि हम प्रत्येक दिन सब सिलेबस का दो दो तीन तीन टॉपिक को ही करें तो निश्चित रूप से आपका हर चीज कंप्लीट हो जाएगा और सब चीज कंप्लीट हो जाएगा। और सिलेक्शन में स्ट्रेटजी यही है, यही 25 दिन में सिलेक्शन और रिजेक्शन होगा। दुनिया में पूरा 8 साल आप तैयारी किए, 8 साल से फॉर्म है, नहीं कुछ होगा, 25 दिन जो सही से पढ़ लेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो चलो इतने रखते हैं और फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।